हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। जी हां दोस्तों, जो पहला T20 मुकाबला हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, कमाल का हुआ है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले पर भी सभी का नज़र रहेगा और वैसे टीम इंडिया चाहेगी कि यह मुकाबला जीतकर सीरीज जीता जाए। तो ऐसे में हम दूसरे T20 मुकाबले के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो यह T20 सीरीज चल रहा है, कुल 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला हो चुका है जिसमें भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, और बता दें कि भारतीय टीम ने बड़ी अंतरों से श्रीलंका को हराया है, 43 रनों से हराया है। जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम मात्र 170 रन ही बना सकी और इनका 10 विकेट भी गिर गया। जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे वह थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन इसके अलावा भी बात करें तो दोस्तों रियान पराग कमाल के थे। रियान पराग बतौर बल्लेबाज नहीं, रियान पराग बतौर गेंदबाज कमाल किए हैं। बता दें 1.2 ओवर में 5 रन देकर 3 अहम विकेट झटके और श्रीलंकाई टीम के पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दिए थे, और इस वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी से जीत ली श्रीलंका के खिलाफ। अब ऐसे में आज जो दूसरा T20 मुकाबला है, यह मुकाबला जो कि पालिकल में होने वाला है। वहीं बात करें भारतीय समय दूसरा T20 मुकाबला है, वह भी रात को 7 बजे से शुरू होने वाला है। बता दें जहां भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों वहीं बता दें कि इसके बाद ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव जैसे धुरंधर बल्लेबाज भी आने वाले हैं। कई लोगों का सवाल है कि संजू को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों बता दें कि ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वह एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। इसके अलावा बता दें कि रिंकू सिंह को शायद थोड़ा ऊपर खिलाया जाए, क्योंकि रिंकू सिंह नंबर 7 नंबर 8 की खिलाड़ी नहीं है, वह नंबर 4 या नंबर 5 की खिलाड़ी है। उन्हें नंबर 4 या 5 पर ही देना चाहिए, क्योंकि वह कमाल कर सकते हैं इस नंबर पर। हम पहले भी देख चुके हैं कि रिंकू सिंह कई मुकाबले जीता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नंबर 7 पर उतारा गया पहले T20 मुकाबले में, जो कि उनके टैलेंट के हिसाब से उनके साथ जस्टिफाई नहीं है। तो दोस्तों अब यह दूसरा T20 मुकाबले पर सभी का नजर रहेगा। आप अगर यह मुकाबला देखना चाहते हैं दोस्तों सोनी पर देख सकते हैं, डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते, Sony 10.3 और Sony 10.5 पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बता दें, अगर आप अपने मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर हम एक आपको ऐप देंगे जहां पर आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला। तो दोस्तों यह खबर जुड़ा हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मुकाबले को लेकर। आपका क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।